चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आपको सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो टू और मोर देन टू कंपोनेंट के मिलने से बना होता है। तो सॉल्यूशन एक तो एक पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर होने किसे कहते हैं, जो ऑल कंपोनेंट पूरा होल सेम कंपोनेंट्स मिला हुआ रहता है। जैसे ऐसे कह दीजिए शुगर सॉल्यूशन हो गया, तो शुगर सॉल्यूशन में आप देखिएगा तो ऊपर नीचे कहीं भी देखेगा सब जगह एक समान उसका प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो सब टाइप्स का क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब सॉल्यूशन हम लोग जब भी बनाएंगे लो तो उसमें टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होगा, सॉल्यूशन में टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होगा, एक का नाम होगा सॉल्यूट और प्लस दूसरे का कहेंगे लो सॉल्वेंट कहेंगे लो। ये अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा उसमें का सॉल्यूट है, कौन सा उसमें का सॉल्वेंट है। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बस आपको याद है जो दिखेगा वो सॉल्वेंट होगा और जो नहीं दिखेगा वो सॉल्यूट होगा। जैसे हम कह देंगे शुगर ले लिए लो, शुगर प्लस वाटर है, तो आपसे पूछा जाए इसमें से कौन हमको दिखेगा, तो सिंपल सी बात है चीनी को पानी में डालेंगे तो पानी ही दिखते है, चीनी तो दिखेगा नहीं, तो जो वाटर होगा ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा और जो शुगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। ये अपना ट्रिक है पहचानने का। ऐसे हम लोग का अमाउंट दिया होगा तो कैसे पहचानेंगे लो, तो जो लेस अमाउंट में हो वो सॉल्यूट होगा और जो मोर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो सॉल्यूट होता है वन भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, वन और मोर, जबकि यह क्या होगा ओनली वन ही हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। जस्ट लाइक हम लोग जानते हैं शरबत बनाते हैं लोग, तो उसमें लेमन वाटर शुगर सॉल्ट सब चीज डाल देते हैं, तो जितना है वाटर के छोड़ के बाकी जो भी आएगा सब का क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, केवल वाटर जो उसमें का होगा सॉल्वेंट होगा। क्लियर है, ये सॉल्यूशन टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट के मिलने से बना होता है, एक का नाम सॉल्यूट होगा दूसरा का नाम सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट कभी भी लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है, सॉल्यूट वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, सॉल्वेंट ओनली वन होता है। क्लियर है, पहचाना ही कैसे, जो दिख जाएगा सो बिक जाएगा, मतलब दिखने वाला सॉल्वेंट होगा, जो नहीं दिखेगा सो सॉल्यूट हो जाएगा। ये आपको समझ में आया गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूशन को हम लोग मेनी टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें एक को हम लोग कहेंगे लो बाइनरी सॉल्यूशन और एक को कहेंगे लो पॉलीनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, बाई मीन सबको पता है दो होता है, जब सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे लोग, और जब सॉल्यूशन में मोर देन वन मतलब मोर देन टू कंपोनेंट हो जाएगा तो उसको लोग पॉलीनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को नाइन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल स्टेट मीन्स क्या होता है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन को नाइन टाइप्स में टोटल डिवाइड कर देंगे। जिसमें सॉल्यूट हो गया सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉल्वेंट को क्या कर लिया, सॉल्यूट 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 फ्रीज कर लिया, याद है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब इसको ऐसे बोलना है सॉलिड इन लिक्विड होगा, मतलब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड में सॉलिड होगा तो इसको क्या कहना, सॉलिड इन सॉलिड हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ गैस इन सॉलिड, मतलब कुछ नहीं करना है, खाली बीच में इन लगा देना है। तो आपको पता है कि सॉलिड इन सॉलिड हम लोग क्या करते हैं, मेटल को आपस में मिलाते हैं जिससे एलॉय बनता है। तो एग्जाम्पल ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोगों के लिए मेनली ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस इस टाइप का जो भी टाइप्स होता है सरफेस केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वहां से हमें क्वेश्चन आता है, तो एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लेना है और फिर से लिख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें और भी लोग सोल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं लोग, जिसमें एक तो होता है डायलूट सोल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे मतलब दो सोल्यूशन बना दिए, इसमें 5 ग्राम शुगर है प्लस 10 ग्राम वाटर है, एक और हम लोग सोल्यूशन लिया लो जिसमें 10 ग्राम शुगर है प्लस 15 ग्राम वाटर है, तो आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन डाइल्यूट है कौन कंसंट्रेटेड है। तो देख कंपेयर कीजिएगा, यहाँ 10 में 5 है तो एक में कितना होगा 5/10 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे लोग, 15 में 10 है तो एक में कितना होगा 10/15 होगा, यानी कि कितना आएगा 2/3 आएगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो मतलब ज्यादा वाला कंसंट्रेटेड हो जाएगा और कम वाला डाइल्यूट हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे,
तो याद आपको लगने ट्रिक बताया, डाइल्यूट मतलब पतला होता है और कंसंट्रेटेड मीन्स क्या होता है, गाढ़ा। जो गाढ़ा सोल्यूशन होगा उसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे लोग, जो पतला सोल्यूशन होगा उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे लोग। क्लियर है? तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन डाइल्यूट है कौन कंसंट्रेटेड है। इसी तरह से हम लोग और भी सोल्यूशन को टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन का जब भी आपको लिखना होगा कि एक्वस सोल्यूशन क्या होगा, तो जब सॉल्वेंट को केवल यहां देखा जाता है, सॉल्वेंट वाटर होगा तो उसको एक्वस कहेंगे लो, और सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा तो उसको नॉन एक्वस कहेंगे लो। जिसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक वाटर फिक्स होगा जिसमें शुगर प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, जबकि यहां क्या होगा, एल्कोहल इसमें वाटर नहीं आएगा, बेंजीन प्लस इथर हो जाएगा, CCl4 प्लस इथर हो जाएगा, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म। इस टाइप से जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन इक्वस सोल्यूशन, मतलब विदाउट वाटर नॉन इक्वस, विथ वाटर इक्वस। क्लियर है? और भी उन्होंने सोल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ा जाएगा। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्यूशन को टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक को हम लोग कहेंगे लो आइडियल और एक को हम लोग कहेंगे लो नॉन आइडियल। अब आइडियल सोल्यूशन का हम जानते हैं, आइडियल व्यक्ति किसी को कहते हैं, जो मम्मी पापा का बात माने, मतलब सबका बात मानता हो, वो आइडियल कहलाएगा। और नॉन आइडियल कौन कहलाएगा, जो बात नहीं मानता हो। तो जो रॉल्स के रूल को फॉलो करता है या ओबे करता है, फॉलो रॉल्स लॉ, वो आइडियल कहलाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलो ओबे रॉल्स लॉ, वो नॉन आइडियल होगा। अब आपको पता है कि जो बात नहीं मानता, या तो अपने लाइफ में अच्छा भी कर सकते हैं खराब भी कर, जस्ट लाइक एम एस धोनी देख लीजिए लो, कि उन्होंने अपने पापा का बात नहीं माना। उनका क्या था कि गवर्नमेंट जॉब करे, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया, बात यानी कि नहीं माना, बात नहीं माने तो क्या हुआ, कुछ लाइफ में अच्छा कर गए तो उसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि बात माना रहता है तो रेलवे में रहते कोई उनको आज नहीं पहचानता, नहीं बात माने यानी कि सब लोग जानता है, तो बात नहीं मानने से उनको अच्छा हुआ तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो बात नहीं मानता है अपने पेरेंट्स का, वो खराब ही करता है, और वो सभी लोग निगेटिव डेविएशन कहलाएंगे लोग। तो फिर से एक बार हम लोग सोल्यूशन का आपको रिकॉल करा देते हैं। तो सोल्यूशन को हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, बाइनरी और पॉलिनरी। बाइनरी मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स हो, पॉलिनरी मीन्स जिसमें मोर देन वन कंपोनेंट्स हो। स्टेट के अकॉर्डिंग 9 टाइप्स में डिवाइड कर लो, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, ऐसे करके, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग, सॉलिड के अमाउंट कितना है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन को टू टाइप्स में डायलूट और कंसंट्रेट। जो पतला होगा डायलूट, जो कंसंट्रेट गढ़ा होगा उसमें डायलूट, मतलब जिसमें सॉलिड मोर देन लेस देन सॉलिड हो, और मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा डायलूट होगा, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो कंसंट्रेट। कभी भी दोनों जुड़वा भाई होता है, जब भी आएगा साथ ही में आएगा, अकेला नहीं हो सकता, ये दोनों रिलेटिव टर्म होता है। एक्वस और नॉन एक्वस हम लोग किसको कहेंगे लोग, तो एक्वस मतलब हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर दो भाग बढ़ा जाता है। एक्वस किसको जाएगा, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर होगा, नॉन एक्वस जिसमें अदर देन वाटर होगा, जिसमें एग्जाम्पल है बेंजीन इथर ऐसे हो जाएगा। और रॉल्स के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन को टू टाइप्स में डिवाइड कर लो, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल जो रॉल्स के रूल को फॉलो करता है, ओबे करता है, नॉन आइडियल जो रॉल्स के रूल को ओबे नहीं करता है। और नॉन आइडियल को टू टाइप्स में डिवाइड कर लो, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन जो रॉल्स के रूल से अधिक हो जाए, निगेटिव डेविएशन जो रॉल्स के रूल से कम हो जाए। क्लियर है? तो आइए हम इसको देखिए, यहाँ उसके बाद सब क्या देना है, एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको सीखना है। तो देख, कंसंट्रेशन को निकालने के लिए दो गो मेथड होता है, एक फिजिकल कंसंट्रेशन मेथड होता है और एक केमिकल कंसंट्रेशन मेथड होता है। तो आपको यहां तक जितना भी दिया हुआ है इसको हम लोग फिजिकल कंसंट्रेशन मेथड कहेंगे। ये सब फिजिकल कंसंट्रेशन कहलाएगा, जो इसके नीचे है वो केमिकल कंसंट्रेशन मेथड कहलाएगा।
क्लियर है। अरे हम लोग फिजिकल में एक परसेंटेज से बात कर सकते हैं, परसेंटेज में बहुत तरह हो सकता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यू बाई भी हो सकता है, भी बाई भी हो सकता है, ऐसे करके आएगा। और स्ट्रेंथ और हमको निकालना हुआ तो ग्राम पर लीटर लेके चलते हैं, तो उसको हम सिंपल में स्ट्रेंथ कहेंगे लोग। और एक पीपीएम होता है, तो पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन होता है, यहाँ 10^6 आएगा। एक और इसी का जुड़ा भाई होता है पीपीबी, तो इसका 10^9 हो जाएगा। एक और होता है पीपीटी मतलब टेट्रे होता है, यहाँ 10^12 हो जाएगा। ये तीन वो अलग से ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। और आपको निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर जो दिया होगा उसको सॉल्यूट मानना है, नीचे जो दिया होगा उसको सॉल्यूट मानना है। एक आपको सिखा रहा है कैसे निकालिएगा लोग, एग्जाम्पल भी सब पे देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जिसमें कह देगा 30% वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला को सॉल्यूट लेके चलेंगे लोग और नीचे वाला सोल्यूशन का लेके चलेंगे लोग। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे लोग, मास ऑफ सॉल्यूट, वेट है तो मास लिखेंगे लोग, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई परसेंटेज के बात कर रहे थे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे लोग 100। और ऐसा जब भी दिया होगा तो इसका मतलब आप ऐसे लिख दीजिएगा, 100 मतलब सॉल्यूशन कंटेंस 30 सॉल्यूट। अब यहाँ यूनिट क्या लिखने दे, ऊपर भी डब्ल्यू था नीचे भी डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू डब्ल्यू होगा तो ग्राम ग्राम कर देंगे लोग। अब ऐसे कहा जाए 30% डब्ल्यू बाई भी एल्कोहल सॉल्यूशन, तो इसको आप कैसे लिखेगा, इसका मतलब हो जाएगा मीन्स हम लोग ऐसे लिख देंगे लोग 100 सॉल्यूशन कंटेन 30 एल्कोहल। अब यूनिट लिखने आए तो यूनिट में देखिए ऊपर डब्ल्यू है यानी कि सॉल्यूट के सन में ग्राम कर देंगे लोग, नीचे वॉल्यूम है तो यहाँ एमएल कर देंगे लोग, मतलब एमएल का रिलेशन ग्राम के साथ और केजी का रिलेशन लीटर के साथ, ऐसे चलता है। तो यहाँ और लीटर लिखते लो तो यहाँ केजी लिखेंगे लो, यहाँ एमएल लिखेंगे लो तो वहां ग्राम, ऐसे यूनिट को चूज कर लेना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है, इनटू 100। यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू बाई भी है तो ऊपर वाला मास लेके चलेंगे लो, भी के लिए वॉल्यूम लेके चलेंगे लो, यहाँ भी बाई भी है यानी ऊपर वाला भी वॉल्यूम होगा नीचे वाला भी वॉल्यूम ही होगा, क्लियर है। यहाँ सबका डिफिनेशन ऐसे लिखा हुआ देख लीजिएगा लो। उसके बाद से क्या हो गया, यहाँ हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड देखने हैं। अब यहाँ हम लोग केमिकल कंसंट्रेशन मेथड में यह चार हुआ आएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मोलालिटी हो जाएगा, मोलारिटी हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगा और फॉर्मालिटी हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जब भी आता है आपको पता ही है कि एक ऊपर होता है, मतलब फ्रैक्शन मतलब कभी भी क्या करेंगे लोग, भिन्न होता है, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल क्या कर देंगे लोग, डिवाइड कर देंगे लोग। तो मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका निकालना होगा उसका मोल ऊपर करेंगे लोग, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, मतलब सॉल्यूट का निकालना होगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट नीचे हो जाएगा, और सॉल्वेंट का निकालना होगा तो मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर हो जाएगा और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट नीचे, नीचे वाला दोनों के लिए सेम ही आएगा। मोलारिटी, यहाँ रीटी लिखा होगा तो रीटी मतलब लीटर होता है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह क्या होगा, मोल पर लीटर। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए याद रखने है बस आपको, रीटी यानी कि लीटर लेके आएंगे लोग, और लीटी मतलब लीटी को याद रखना, लिट्टी चोखा से, लिट्टी चोखा हम लोग क्या करते हैं लोग, गिनते हैं या फिर वेट करेंगे लोग, सॉलिड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। बस इसके लिए आप याद रखिएगा मोल पर लीटर, इसके लिए याद रखना है मोल पर केजी, लेकिन इसमें केजी किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए होता है, इस बात को भी याद रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, और फॉर्मालिटी के लिए होता है जस्ट लाइक मोलारिटी होता है, बस डिफरेंस दोनों में मोलारिटी में और इसमें डिफरेंस क्या है, यह सबके लिए लागू होता है, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए चलेगा, या केवल किसके लिए चलते हैं, आयनिक सब्सटेंस के लिए चलते हैं। जैसे हम लोग मोलारिटी निकालेंगे उसी तरह फॉर्मालिटी भी निकालेंगे लोग, बट यार कंडीशन है कि आयनिक सब्सटेंस होगा तो लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्लियर है। तो इस तरह से मोलालिटी हो गया, मोलालिटी के लिए क्या करेंगे लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। बस बाकी सब सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन के लिए चलते हैं, केवल एक ही है जो कि सॉल्वेंट के लिए चलते हैं, मोलालिटी, क्लियर है।
नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इस पे एक एक एग्जांपल सब का देखा जाएगा। फॉर्मलिटी के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखिए इसमें आपको एक चीज इसमें बार बार मतलब पॉपुलर सा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसमें कौन सा टेम्परेचर से स्वतंत्र होगा, कौन सा टेम्परेचर से डिपेंड्स करेगा। तो आपको देखिए ऊपर तो सब जगह सॉल्यूट ही लेकर चल रहे लो, और नीचे किसके लिए चल रहे लो, सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, यही दो आएगा नीचे। तो आपको याद रखिएगा, देखिए एक ही कंडीशन है मतलब डिपेंड्स करेगा टेम्परेचर में, ऊपर वाला हो या नीचे वाला में हो, कहीं में वॉल्यूम से रिलेटेड कोई टर्म आएगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज टेम्परेचर से वह स्वतंत्र होगा। क्लियर है? कभी भी वॉल्यूम नाम मिलेगा ऊपर नीचे तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम मीन्स लीटर, उसका यूनिट कहीं दिखाई दे दे तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नहीं दिखाई दे या यानी कि नहीं करेगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेलिटी हमसे पूछेगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। देखिए यहाँ वॉल्यूम दिखाई दे रहा है यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यहाँ नॉर्मलिटी है यहाँ भी वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलालिटी हो गया, ऊपर देखिए मोल्स है और नीचे मास है, यहाँ दोनों में से कहीं वॉल्यूम नहीं दिया होता है, टेम्परेचर से स्वतंत्र होगा। मोलालिटी हो गया तो यहाँ भी वॉल्यूम है तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसमें ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, कहीं वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा तो टेम्परेचर से स्वतंत्र हो जाएगा, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और एक बात यहाँ हम लोग देखिए पीपीएम, यहाँ देखिए टोटल पार्ट्स पर मतलब सॉल्यूट, मतलब ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, कहीं भी यहाँ मतलब कि कुछ नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम ऐसा कुछ है नहीं, तो टेम्परेचर से तीनों स्वतंत्र होता है। यहाँ देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन वॉल्यूम यहाँ आ गया तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यहाँ भी वॉल्यूम है तो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसमें भी वॉल्यूम है तो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसमें फिर से ऊपर नीचे कहीं वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर से स्वतंत्र होगा। क्लियर है? तो ये अच्छा ट्रिक होता है, वॉल्यूम का वर्ड कहीं दिखाई देगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम वर्ड नहीं दिखाई देगा तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। आइए इस पर हम लोग पहले क्वेश्चन में आते हैं लोग, फिर आगे का टॉपिक हम लोग समझते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ने दे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लीजिए। एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या कर रहा है कि दिया क्या है, बेंजीन दिया है प्लस CCl4 दिया हुआ है, इसका वेट दे दिया 22 ग्राम और इसका वेट कितना दे दिया हुआ है 122 ग्राम। तो हमें क्वेश्चन कर रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है दोनों का। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा कुछ भी टेंशन नहीं लेना, परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का परसेंटेज, बेंजीन का जो वेट होगा उसको ऊपर रख देना है और नीचे टोटल को से डिवाइड कर देना है, तो 22 में 122 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 144 ग्राम आ जाएगा, तो इतना से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा निकालना होगा परसेंटेज ऑफ CCl4, इसका अगर निकालना होगा तो इसके लिए दो गो मेथड होता है, एक तो दोनों का जो है 100 आता है तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बेंजीन कर दीजिएगा लो C6H6, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं जिसका निकालना है उसके ऊपर यानी कि 122 पर और नीचे कभी भी टोटल ही आएगा और 100 से गुना कर देंगे लोग। तो इस तरह से आराम से आप निकाल सकते हैं लोग किसी का परसेंटेज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये क्या करा है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम NaOH इन 500 सोल्यूशन। अब आपको करना क्या है, इसका मोलारिटी निकालना है, इस बात पे ध्यान समझना है। तो मोलारिटी के लिए आप क्या कीजिएगा जी, सबसे पहले 10 ग्राम है NaOH, किसमें है 500 ml सोल्यूशन में है, तो इसका आप लोग निकाल लेंगे लो मास ऑफ NaOH, NaOH के मास कितने ग्राम दिया हुआ है 10 ग्राम, फॉर्मूला वेट निकाल लेना है, फॉर्मूला मास NaOH का कितना हो जाएगा, तो Na का 23 होता है, O का 16 होता है, इसका 1 होता है, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम आ जाएगा, और वॉल्यूम दे दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर कितना दे दिया 500 ml दे दिया। हम लोग जानते हैं लोग मोलारिटी निकालने के लिए कर रहे, तो मोलारिटी बराबर क्या होता है जी, बस आपको इतना ही याद रखना है मोल पर लीटर, और मोल बराबर हम लोग जानते हैं लोग क्या होता है, गिवन मास
इन ग्राम बाई फॉर्मूला मास होता है। तो यहाँ से बना दे वॉल्यूम, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवेन मास बाई कितना हो जाएगा, एफ इंटू वॉल्यूम। लीटर में हमको चाहिए लेकिन दिया किस में है, एमएल में, तो ऊपर एक हजार से गुना कर देना है। तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए गिवन मास कितना दिया हुआ है 10, फॉर्मूला टीशर्ट कितना होता है 40, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500, और एमएल में है तो ऊपर एक हजार से गुना करेंगे, लीटर में रहेगा तो नहीं करेंगे लोग। तो अब आराम से कर देगा, एक जीरो से एक जीरो दो बार में कट जाएगा, दो से आपको पता है कि ये भी कट जाता है, यानी कि 1/2 आएगा, मीन्स 0.5 कैपिटल एम, इतना ही यूनिट लिख देना है, क्लियर है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन का इसका आंसर तो ये हो जाएगा, व्हाट विल द मोलारिटी ऑफ 30 ml ऑफ इतना ml सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे समझ लेना है कि मान लिया हम लोग का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 30 ml, 30 ml ऑफ एथी कितना दिया हुआ है 0.5 ml, H2SO4 सॉल्यूशन है, जिसमें मतलब डायल्यूट करने के लिए कर रहा था, अभी बताया था वो डायल्यूट मतलब पतला करना है, यानी कि वाटर को ऐड कर रहे हैं, जिसका कि वॉल्यूम कितना बना दे रहे हैं लोग 500 ml बना दे रहे हैं लोग, ये हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ जो दिया है उसको लिख लेना है, मोलारिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, मोलारिटी M1 मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 0.5 ml दिया हुआ है, और वॉल्यूम के लिए V1 मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 30 ml दिया हुआ है, जबकि इसका V2 500 ml दिया हुआ है और M2 हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो ऐसे आपको जब भी क्वेश्चन आए तो देख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, डायल्यूशन कहेगा, वेपोराइजेशन कहेगा, इस तरह का जब भी वर्ड आएगा तो आपको बस दिया जो है इसको ऐसे लिख लीजिएगा लोग, M1 V1 बराबर हो जाएगा M2 V2, M2 निकालने के लिए कर रहे हैं तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 V1 / V2 हो जाएगा। तो हमारा निकालिएगा तो कितना आएगा, जो टोटल M1 का वैल्यू दिया ही है 0.5, V1 का वैल्यू दिया हुआ है 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 500, सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए लो, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर व्हिच इज इतना परसेंट वेट बाय वेट दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको बता देते हैं, जैसे ही मतलब ऐसे दिया हुआ हो 1% वेट बाय वेट दिया हो, कोई भी सॉल्यूशन दिया हो कोई टेंशन नहीं है, इसका डेंसिटी मान लेते हैं कि डी दिया होगा, तो इसका यदि हमें मोलारिटी कैपिटल एम पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A×D×10/F हो जाएगा, और नॉर्मलिटी पूछेगा तो A×D×10/F×X हो जाएगा, एक्स फॉर वैलेंसी फैक्टर, और मोलारिटी पूछेगा तो A×1000/F×100 - A हो जाएगा। और भी हमसे ऐसे पूछ सकते हैं लोग, मोल फ्रैक्शन भी पूछा जा सकता है, तो मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट पूछेगा उसके लिए A/F/A/A+100 - A/FS मतलब फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें आप क्वेश्चन दिया हुआ था 10% दिया हुआ था, 10% के लिए आपको क्या कीजिएगा, सिंपल से इस फॉर्मूला में हमें मोलारिटी निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या होता है 10×1000, एफ का वैल्यू यूरिया नाम दिया हुआ है, सॉरी ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6 होता है, इसका फॉर्मूला निकाल तो 12×6=72 होगा, और यहाँ 12×12 होता है, 16×96 होता है, मतलब टोटल कर दीजिएगा तो 180 आ जाता है, और गुने क्या हो जाएगा 100 - 10 हो जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% इतना, जिसमें अभी इसको फॉर्मूला बताए हुए हैं, इस फॉर्मूला पर रख दीजिएगा लो आप लोग का आंसर आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिए, जिसमें सेम अभी इसी तरह से आपको समझ में ये गया है, मोलारिटी के लिए निकालना है, तो अब निकालिएगा लो, और हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कीजिएगा लो, आगे टॉपिक हम लोग देख लेते हैं लो। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी, नेक्स्ट टॉपिक है सोलबिलिटी ऑफ गैस।
ठीक है, टॉपिक ध्यान समझना है, सोलुबिलिटी ऑफ गैस हम लोग का पढ़ना है। तो सोलुबिलिटी मतलब आप लोगों को पता है कि सोलुबिलिटी मतलब क्या होता है, घुलनशीलता, मतलब किसी भी हम लोग का एक फिक्स अमाउंट सॉल्वेंट में जितना सॉल्वेंट के अमाउंट डिजॉल्व होता है वही उसका क्या कहलाता है, सोलुबिलिटी कहलाता है। तो सोलुबिलिटी का डिफिनेशन वही हो जाएगा, एज सब्सटेंस इज मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ ए लिक्विड इन अ लिक्विड, जिसमें यहाँ देखिए यह होता है सॉलिड में क्या सोलुबिलिटी, लिक्विड में कैसे इफेक्ट करता है, पॉइंट इम्पोर्टेंस है, थोड़ा ध्यान समझिएगा लोग। तो सॉलिड का लिक्विड में सोलुबिलिटी जो होता है इक्वल किस पे डिपेंड करेगा, दोनों का नेचर पे, सॉलिड का नेचर क्या है और सॉलिड लिक्विड का नेचर क्या है। आपको पता है कि सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है, सॉल्ट शुगर वाटर में डिजॉल्व होता है, लेकिन सैंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसके नेचर पर डिपेंड होगा, उसी तरह से सॉल्ट जो होता है आयल में डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये दोनों का नेचर पर डिपेंड करेगा, तो एक का हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्वेंट, उस पर यह डिपेंड करता है। जिसमें लाइक डिजॉल्व, लाइक मतलब इसका होता है पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी सोलुबिलिटी का इफेक्ट पड़ता है। अब हमारा जो सोलुबिलिटी होता है टू टाइप्स का होता है, एक तो इजियोथर्मिक होता है और एक इंडोथर्मिक। इजियोथर्मिक मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर निकलना, जिसमें ये आप लोगों को प्रोसेस पढ़ाएंगे लोग। जैसे मान लो वाटर है, इसका हम लोग क्या करते हैं लोग, CaO मतलब चूना को डालते हैं लोग। तो इसमें से जो भी देखे होंगे लोग उनको पता होगा कि एनर्जी बाहर निकलता है। इस टाइप का जो सोलुबिलिटी है उसका इजियोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं लोग। और इसका डेलेज का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, मीन्स लेस देन जीरो होता है। दूसरा क्या होगा, जिसमें सॉल्ट को शुगर में जैसे ही डालिए, शुगर हो गया, इसको वाटर में जैसे ही आप डालिएगा लो, तो यह क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा होता है। नहीं किए होंगे ना तो करके चेक कर लेना है। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं इसको इंडोथर्मिक कहते हैं। और इंडोथर्मिक प्रोसेस का डेलेज का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मीन्स इसका डेलेज का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये आपको करने क्या है, यहाँ देखिए जो दानी है उसको और पैसा दीजिएगा तो बेचारा उलेगा थोड़ी, वो घुसाएगा, भिखारी को दीजिएगा तो खुश होगा। तो यहाँ वही प्रोसेस होता है, जब एक जो थर्मिक रिएक्शन होगा मतलब जिससे एनर्जी निकल रहा होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो सोलुबिलिटी घटेगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसका सोलुबिलिटी बढ़ेगा। तो वही आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें देखे एफ डिजोल्यूशन इज इंडोथर्मिक प्रोसेस, देन उसका सोलुबिलिटी इंक्रीजेज रेज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका सोलुबिलिटी बढ़ता है। वही एक जो थर्मिक होगा जिसका डेलेज के वैल्यू लेस देन जीरो होगा, उसको टेम्परेचर को बढ़ाने से सोलुबिलिटी उसका घटता है। क्लियर है? अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट सोलुबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड में कोई नहीं पड़ता है, बिकॉज सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए उसके सोलुबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है गैस इन लिक्विड में, जिसको हम लोग एक इक्वेशन के नाम से जानते हैं लोग, हेनरी लॉ। आइए अब उसको देखते हैं लोग। नहीं, यहां आपको क्या करना है जी, फैक्टर्स इफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड, मतलब गैस का सोलुबिलिटी लिक्विड में कैसे इफेक्ट करता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या होता है, हेनरी लॉ। मतलब हेनरी ने बताया है कि जो गैसेस होता है उसका सोलुबिलिटी जो होता है लिक्विड के अंदर कैसे होता है, उसका क्या रिलेशन होता है। तो इन्होंने बताया, हेनरी लॉ बताया कि पार्शियल प्रेशर जो गैसेस का होता है उसके डायरेक्टली गैस के मोल फ्रैक्शन हो जाता है। मतलब गैस के पार्शियल प्रेशर में बढ़ाएंगे लोग तो लिक्विड में गैस का सोलुबिलिटी बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर घटाएंगे तो गैस का सोलुबिलिटी घटेगा। वही इक्वेशन दिए P=KH × μfr ऑफ सॉल्यूट। क्या बस आपको याद है हेनरी लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस या सॉल्यूट कह सकते हैं इन अ सॉल्यूशन। क्लियर है? और जो KH होता है इसको हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड कैसे, इस किसी पर डिपेंड्स नहीं करता है। ये केवल किस पर डिपेंड्स करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, वो कौन सा लिक्विड है। और यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ KH, KH का वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो उसका सोलुबिलिटी कम हो जाएगा, और KH का वैल्यू कम होगा तो उसका सोलुबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है?
अब यहाँ से आपको देख करना क्या है, इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ देख लेते हैं क्या करना है। जैसे हेनरी लॉ से पूछा है क्या होता है, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड गैस। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर का स्मॉल पी से डिनोट करते हैं लोग, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल प्रेशर यदि बढ़ाएंगे तो गैस का मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड में बढ़ेगा। अब इस टॉपिक को यूज करके हम लोग जिसमें कोल्ड ड्रिंक होता है उसके अंदर CO2 भर देते हैं लोग, या फिर एक और चीज आप लोग देखेंगे लो, जब गर्मी का मौसम होता है धूप निकलता है तो जो मछलियां होती है वो सब ऊपर आकर के सांस लेती है, वहीं ठंडी के मौसम में क्या होता है जो मछली होती है वो नीचे ही रह के अपना सांस ले लेती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब गैस हम लोग जो भी उसके अंदर वाटर होता है तो इसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन गैस भी घुला हुआ रहता है, जिससे कि हमारा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो जलीय जीव होते हैं वो सांस लेते रहते हैं। एंड जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का सोलिडिटी वाटर में घट जाता है, और वाटर में घटने के कारण से क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है वो नीचे कम अमाउंट में हो जाता है, इसलिए मछली को बाहर निकल के सांस लेना पड़ता है। वहीं ठंडी के देश में उसके जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल जाता है नीचे से, इसलिए और नहीं देते। यहाँ देखिए आपको वही टॉपिक मिलेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या सेम वही होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा, तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उल्टा काम कर देना है, एक्जोथर्मिक के लिए टेम्परेचर से इन्वर्सली हो जाएगा और इंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर का डायरेक्टली हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है रॉल्स लॉ। कोई पूछेगा कि रॉल्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज अ रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ ने क्या बताया, जैसे मान लिया हम लोग ऐसे कर लेंगे लोग, ध्यान से समझिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने एक लिक्विड ले लिया लोग, प्योर लिक्विड ले लिया, इसमें हम लोग कुछ सॉलिड को डाल दिए लोग, ये नहीं हमको पता है कि सॉलिड कैसा है, वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको पता है कि पहले से जब प्योर लिक्विड यानी कि वाटर था उसमें शुगर डाल दिया लोग तो क्या बन गया होगा, एक सोल्यूशन बन गया होगा। तो हम इसको टी डिग्री सेल्सियस में जब हीट किए तो इसका कुछ न कुछ तो वेपर तो बनता ही होगा, तो मान लेते हैं कि इसका वेपर PnO2 है, ओरिजिनल है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते, इसका भी कुछ न कुछ वेपर बना होगा, तो इसको हम Pa मान लेते हैं। तो रॉल्स ने क्या बताया कि जो Pa है यानी कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन के अंदर है वो डायरेक्टली होगा उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के, यह रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है कि वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ उन्होंने नाम क्या दिया इसको, पार्शियल प्रेशर नहीं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ मोल फ्रैक्शन वहां सॉल्यूट होता है, यहाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होता है। तो यहाँ हम जानते हैं यह प्योर लिक्विड है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक होगा, जबकि यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका होगा, एक से मतलब सॉल्वेंट का भी कुछ होगा और एक भी कुछ सॉल्यूट का भी होगा जो यहाँ हम लोग डाल रहे हैं, क्लियर है। तो अब यहाँ हम लोग जानते हैं लोग कि मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी और कर देते हैं लोग, तो दोनों का वैल्यू कितना आता है, वन आएगा, तो मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू कितना लेके चलेंगे लोग, वन माइनस एक से, और वही मोल फ्रैक्शन ए और कहा जाएगा तो वो कितना लेके चलेंगे लोग, वन माइनस एक्स बी। तो यहाँ से रॉल्स ने क्या बताया कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक से के। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी हम जानते हैं प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आएंगे लोग, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट P इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा। अब यहाँ मान लेते हैं कि इफ XA का वैल्यू 1 होगा, तो आपको पता है कि XA का वैल्यू 1 कब होगा, जब यह प्योर लिक्विड होगा, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर PnO2 होता है। तो यहाँ देन उन्होंने क्या लिख दिया कि Pa बराबर किसको हो जाएगा, PnO2 के। अब इस इक्वेशन में लोग अप्लाई कर देते हैं लोग, तो एक से कैसन पे वन रखेंगे, Pa कैसन पे PnO2 रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PnO2 इक्वल टू के इंटू वन, तो यहाँ से मतलब के का वैल्यू कितना आ जाएगा, PnO2। अब इस इक्वेशन में लोग ले जाके इसका वैल्यू रख देते हैं लोग, तो इस इक्वेशन में लगा रखिएगा, तो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, के कैसन में रख देंगे लोग, PnO2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमारा ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा। ये रॉल्स लॉ जो आपसे पूछा जाए क्या होता है, रॉल्स लॉ स्टेट देट द, मतलब कि जो भी होगा P1 इंटू PnO2 क्या हो जाएगा, एक से, मतलब इसका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है। P2 करेंगे लोग तो यही हो जाएगा। अब इसको एथी करने के लिए, अब वैसे हम लोग इसको अलग अलग करके डिवाइड करके पढ़ा गया है, ठीक है,
एक बार जमा लिया एक प्योर लिक्विड हो गया जिसका वेपर प्रेशर कितना था, पीए नॉट था, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डाल दिए। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डालेंगे लो तो इससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसका भी तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ना जी, ये तो सिंपल सा है कि वेपर प्रेशर तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि पीए जो यहां बना होगा किसके बराबर हो जाएगा, पीए बराबर हो जाएगा, अभी तो पढ़ा लो पीए नॉट इंटू एक्स ए के, अभी उन्होंने क्या पढ़ा लो पीए बराबर पीए नॉट इंटू वन माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए के स्थान पर तो इतना लिख ही सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा पीए इक्वल टू पीए नॉट माइनस, यहां से कितना हो जाएगा पीए नॉट इंटू एक्स बी। तो इसको हम इधर लेके आते हैं जिसमें इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा पीए नॉट माइनस पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा पी ए नॉट इन टू एक्स बी। तो यहां से इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पी ए नॉट माइनस पी ए अपन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। तो यह हमारा क्या होता है, ये बड़ा में से छोटा वाला घटा रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए क्या ले देंगे ना डेल पी, डेल पी अपन क्या हो जाएगा पी ए नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी हो जाएगा। तो इस इतना को हम लोग कहते हैं आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। लेकिन यही अगर हम लोग ऐसे करते हैं, लोग वोलेटाइल लिक्विड को डालते हैं, जैसे मान लिया प्योर लिक्विड ए हो गया और दूसरा हम लोग ले लेते हैं प्योर लिक्विड बी, तो इसका जो वेपर प्रेशर बना होगा पी बी नॉट ले लेते हैं, इसका जो वेपर प्रेशर बना होगा पी ए नॉट ले लेते हैं, दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा जी, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इससे जो बना होगा, अब सिंपल से देखिए दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, यानी कि इस बार किसका वेपर बनेगा, दोनों का बनेगा। तो जब दोनों का बनेगा तो यहां हमें कौन मिलेगा, पी ए भी मिलेगा पी बी भी मिलेगा, और यहाँ नीचे भी कौन मिलेगा, एक्स ए भी मिलेगा और एक्स बी भी मिलेगा, यहाँ तो दोनों मिलेगा ही। तो हमसे कहा जाएगा कि टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, तो इस पर दोनों है तो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। तो अभी हम लोग पढ़ा चलो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए का वैल्यू किसके बराबर होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी किसके बराबर होगा जी, पी बी नॉट इंटू एक्स बी के। तो अब आपको क्या करना है, इस दोनों करके ला करके जोड़ देना है, तो दोनों को ला करके जोड़िएगा तो क्या होगा, ये पी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब यहां से हम लोग इसको दो भागों में चेंज करके लिख देते हैं, इधर एक्स ए के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स बी, और इधर एक्स बी के फॉर्म में लिखेंगे तो वन माइनस क्या आ जाएगा एक्स ए। तो इधर किसको चेंज कर देते हैं लोग एक्स ए को, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए का स्थान पर वन माइनस एक्स बी लिख देते हैं प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा पी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, और प्लस क्या आ जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। यहाँ से पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए अभी यहां से बी का एक्स बी दोनों में कमन है तो कमन कर लीजिए, पी ए नॉट इंटू इसको अलग हम पहले इसको लिख देते हैं, पी बी नॉट माइनस में है तो पी ए नॉट इंटू कमन क्या हो गया एक्स बी, प्लस क्या आ जाएगा पी ए नॉट। इसको इसी तरह से तोड़िएगा तो वहां क्या आएगा पी इक्वल टू पी ए नॉट इन माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए आएगा प्लस पी बी नॉट आएगा। आप ऐसी तरह ट्राई कीजिएगा लो देखिएगा सेम ही आएगा। तो यहां से आप इसको हम लोग किस नाम जानते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं, क्लियर है। अरे यहां से आपको याद करने का ट्रिक बता देते हैं, P इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूला को कैसे याद कीजिएगा, यहाँ B है तो यहाँ भी B होगा, यहाँ A है तो यहाँ A होगा, मतलब साफ है कि जिसका मोल फ्रैक्शन होगा उसमें से दूसरे वाला घटा देना है।
और जिसको घटाना है फिर से उसको लाके जोड़ देना। ए का मोल फ्रैक्शन हमको चाहिए तो ए में से बी को घटा दिए हैं और बी को घटाया तो बी को जोड़ दिए। आसान सा ट्रिक है, आसानी से आप याद हो सकते हैं। ट्रिक से पढ़िएगा मजा आएगा, रट के पढ़िएगा या कुछ भी मजा नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से मेरा रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, टोटल प्रेशर पी वन प्लस पी टू। अब दोनों को जोड़ेंगे, देखें जो भी हम लोग फॉर्मूला निकाला लो सेम ही फॉर्मूला आपके सामने है। ऐसे याद करते रहिएगा, याद नहीं होगा, वैसे अभी याद करा दिया, आसानी से याद कर लिए होंगे। अब मान लिया देखिए जो वेपर प्रेस में बन रहा था प्रेशर, हम लोग मान लिया उसे जो पीए यहाँ मतलब कि यहाँ जो लिखा है ना पी वन पी टू उसी को मान लिया कि वाई वन वाई टू मान लिया कि उसका हो गया। तो वाई वन के लिए क्या कीजिएगा, ये पी वन अपन टोटल प्रेशर कर दीजिएगा, वाई टू के लिए क्या कीजिएगा पी टू अपन टोटल प्रेशर। क्लियर है? नेक्स्ट में क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। इसका जो भी आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखा जाएगा, पहले आज टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं लोग। तो यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का वेपर प्रेशर, जिसमें यहाँ भी आपको जो बताया नॉन आइडियल लॉ हो गया। अब कहीं तो पहले ही बता दिया आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन रॉल्स के रूल के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन कैसे कहेंगे, जो रॉल्स के लॉ को ओबे करेगा, नॉन आइडियल जो रॉल्स के लॉ को ओबे नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी वन इक्वल टू एक्स वन इनटू पी नॉट, और इसमें भी देखे चलो यहाँ सब जितना भी यहाँ इक्वल होता है सब यहाँ डज नॉट इक्वल हो जाएगा। आइडियल के लिए डेल एच जीरो होता है, डेल भी जीरो होता है, और डेल जी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डेल एच डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्लियर है? इसमें सब जीरो तो नहीं होता है, लेकिन डेल जी जीरो होता है और डेल एस जीरो होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रहेगा, डेल एस डेल जी वाले भी हमसे अब डायरेक्ट पूछ देता है। इसमें ए ए सब इंटरेक्शन होता है, आपस में लगभग बराबर होता है, इसमें कोई आपस में बराबर नहीं होता है। ये एजियोट्रॉप्स नहीं बनाता है, ये एजियोट्रॉप्स बनाता है। नॉन आइडियल को हम लोग पढ़ाते टू टाइप्स में, एक पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सोल्यूशन, एक निगेटिव डेविएशन आइडियल सोल्यूशन। तो ग्राफ बनाइएगा, देखिए आइडियल के लिए ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन इसके ऊपर चला जाता है और निगेटिव डेविएशन इसके नीचे आता है, जो कि यहाँ बनाया गया है। जो पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सोल्यूशन होता है वो मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप्स, पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर गया है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है, और निगेटिव डेविएशन जो नीचे गया है ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करता है। इसको अच्छे से याद रखना है कि पॉजिटिव पॉइंट अच्छा है वीवीआई कर देना है, पॉजिटिव डेविएशन शो मैक्सिमम, पॉजिटिव डेविएशन शो प्लस वाला मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और माइनस वाला मैक्सिमम बॉइलिंग, पॉजिटिव डेविएशन शो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, निगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा हो गया रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि अभी आपको बताया था आर एल वी पी, पी ए नॉट इंटू पी ए अपन एक्स टू हो जाएगा, इसको करके फॉर्मुलेटिकली बना दिए गए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम लोग प्योर लिक्विड में, जिसमें अभी यहाँ आपको जो भी सोल्यूशन टाइप बताया था सेम वही होता है। जब हम लोग एक प्योर लिक्विड हो गया इसमें नॉन वोलेटाइल हम लोग सॉल्यूट को डालेंगे लोग, तो इसका देखा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ यदि टी बी नॉट होगा तो यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, टी बी हो जाएगा, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एलिवेशन कर जाता है मतलब बढ़ जाता है। आप लोग एग्जांपल में घर में देखते होंगे, दूध खौलता रहता है उसमें थोड़ा चीनी का मात्रा डाल देते हैं, दूध खौलना बंद कर देता है। तो ये रॉल्स लॉ अकॉर्डिंग, तो रॉल्स लॉ क्या बताया, डेल टी बी जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस होता है वो डायरेक्टली होता है मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के, यानी कि डेल टी बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कॉन्स्टेंट के रूप में हम लोग लाते हैं, लोग के और बी ले जाते हैं, इनटू मोलालिटी हो जाएगा। यही फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सेम हो जाएगा, डेल टी एफ इक्वल हो जाता है के एफ इंटू एम के, दोनों बस सेम होगा। यहाँ बी के बी का भी नाम होता है, के एफ का भी, दोनों का यूनिट पहले देख लेते हैं लोग, के बी और के एफ के यूनिट का होगा, दोनों का सेम ही यूनिट होगा, के बी हो या के एफ हो, ठीक है। तो यहाँ क्या कीजिए, यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो डेल टी बी अपॉन एम हो जाएगा, और टी बी मतलब बी फोर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर केल्विन में लेके चलते हैं लोग, यहाँ क्या होता है मोल पर के जी, मोलालिटी है तो यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन मोल इनवर्स किलोग्राम, यानी कि इसको सही से लिखना होगा तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हमारा के बी और के एम का, इसका डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या होगा, यहाँ मोलालिटी का वैल्यू वन एम कर देंगे लोग तो इसका डेल टी बी का डिफिनेशन हो जाएगा। ऐसे डिफिनेशन लिख सकते हैं, इफ मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू वन एम देन के बी इज इक्वल टू डेल टी एफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इफ मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू वन एम
देन kf ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? इस तरह से इसका यूनिट याद कर सकते हैं, डिप्रेशन भी लिख सकते हैं लोग, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। और फॉर्मूला जो है यहाँ दिया हुआ है दोनों का फॉर्मूला, पहले ग्राफ देखते हैं फिर आपको बताते हैं। ये मैं ग्राफ लूँ, इसमें किसके बीच में खींचेंगे लोग, वेपर प्रेशर के और टेम्परेचर के। यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा और यहाँ वेपर प्रेशर हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिप्रेशन क्या होता है जी, वह मिनिमम टेम्परेचर, जैसे मान लो कहते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है कि यदि वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि यदि उस लिक्विड को उतना डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए तो उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारा यह 1 atm प्रेशर हो गया। एक हमारा जो प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कभी ज्यादा होता है सॉल्यूशन से ही, तो पता है कि चीनी में और खाली पानी गर्म कीजिएगा, चीनी पानी गर्म तो वेपर जब कब जल्दी बनेगा, जब केवल पानी हो, चीनी डालने से उसका वेपर प्रेशर घटता है। तो अब देखिए ये हमारा प्योर लिक्विड है, तो इसको जैसे हम हीट करेंगे तो यह जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जाकर पहुंचेगा। तो इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, प्योर आता है टीबी नॉट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा टीबी। तो इसका चेंज हो जाएगा डेल टीबी, यानी कि यहां से देखा गया इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ रहा है, इधर से जाते हैं तो बढ़ ही रहा है। जबकि फ्रीज करने के बाद होता है तो फ्रीज मतलब ठंडा करना होता है तो हमसे ठंडा करेंगे लोग। तो याद है कि ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन जल्दी नीचे होगा तो ये हमारा TF हो जाएगा, और ये प्योर लिक्विड है तो ये हमारा TF नॉट हो जाएगा। तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या होता है, घट जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, डेल टीबी मतलब टीबी माइनस टीबी नॉट होगा, और डेल TF मतलब TF नॉट माइनस TF। कभी भी इसको अच्छे से याद रखिए, डेल टीबी को जब भी तोड़ना होता है क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा, तो टीबी माइनस टीबी नॉट वही चाहे डेल TF होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें बड़ा कौन है TF नॉट, तो TF नॉट माइनस TF, इस तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हो ही गया। इसका नाम याद रखिएगा लोग, केवी को लोग क्या कहते हैं लोग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और उसी तरह से केएफ का नाम क्या होता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। ये दो को अच्छे से नाम याद रखने हैं, दोनों का यूनिट तो आपको निकालने का सिखाई दिए हैं। ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए ओस्मोसिस के लिए भी आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे मान लिया हमने एक कंटेनर ले लेते हैं लोग, बड़ा सा एक कंटेनर लिए लो, यहाँ हम इसको एक SPM से अलग कर लिए। SPM क्या होता है, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको क्या कर लेते हैं लो, अलग कर लेते हैं। तो जिसमें इसमें हम प्योर लिक्विड लेते हैं लो और इसमें सॉल्यूशन हो जाता है। तो पूछा जाए SPM का रूल क्या होता है कि इसमें सॉल्वेंट तो R पर करेगा, सॉल्यूट R पर नहीं कर पाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर हम इसमें पानी डालेंगे लो तो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट इधर से इधर जाता है, तो हम इसमें कुछ एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा देते हैं लोग। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके इस प्रोसेस को रोका जा सके, जिससे कि इधर से इधर सॉल्वेंट फ्लो ना करे, वह प्रेशर कहलाता है ओस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करेंगे लोग। तो ये सब ज्वाइंट टर्म होता है, और मान ली यहाँ पर रुका हुआ है, इसको जैसे ही अधिक कर देंगे लोग, मतलब पाई से अधिक प्रेशर लगाया जाता है, तो यह जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है उल्टा होने लगता है, इधर से इधर आने लगता है, तो यह प्रोसेस रिवर्स ओस्मोसिस RO कहलाता है। तो ओस्मोसिस अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताएगा, स्पॉन्टेनियसली मतलब बिना किसी काम के, बिना किसी हेल्प के, जब प्योर लिक्विड से सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की ओर होता है तो वह प्रोसेस ओस्मोसिस कहलाता है। ओस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप करने के लिए जो बाहर से प्रेशर लगाया जाता है सॉल्यूशन के ऊपर, जिससे कि ओस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, वह प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। और ओस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसको रिवर्स करने के लिए, मतलब सॉल्यूशन से प्योर सॉल्यूट की ओर करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है वह रिवर्स ओस्मोसिस कहलाता है। यानी ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर में सेम होगा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलेक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन।
फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू एस एस पी एम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस हो जाएगा. मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन प्रिवेंट द क्या होता है एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इन टू द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. कम से कम वह प्रेशर जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर को रोका जा सकता है वह ओसपीएम मतलब क्या कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है. पाई से निर्णय करते हैं लोग और पाई बराबर होता है सी आर टी जहाँ सी का वैल्यू कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर यानी कि मोल ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ इन टू आर टी हो जाएगा. अब यहाँ से आपको पाई का वैल्यू याद रखना होगा तो पाई का यूनिट हम सब पूछा गया था पाई फॉर प्रेशर है तो प्रेशर का जो जो यूनिट होता है सबका यूनिट हो जाएगा. तो यहाँ आपको रिलेशन लेते हैं 180 इक्वल टू क्या होता है 760 mmHg बराबर होता है 1.013 बार बराबर होता है यहाँ मतलब एच जी कर दिए टॉर्क कर दिए दोनों बराबर ही होता है 1.013 इंटू 10^5 पास करते हैं. आर का भी मेनी यूनिट्स होता है जिसमें एक होता है 22.4/273 केल्विन और इसको सॉल्व किया जाएगा 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन और इसके यूनिट होता है 0.0831 atm से बार हो जाएगा 12 लीटर पर मोल पर केल्विन और होता है 8.314 joule पर मोल जूल हो जाएगा पर मोल पर केल्विन और होता है 2 calorie पर मोल पर केल्विन और भी होता है 8.314 × 10³ पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन. एक और यूनिट होता है 101.3 atm लीटर इक्वल टू सॉरी 1 joule इक्वल टू 101.3 atm लीटर. एक यहाँ और रिलेशन याद रखिएगा 4.18 joule इक्वल टू 1 calorie होता है. तो इस सब ऐसे रिलेशन अच्छे से याद रखिएगा लो और नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना है कॉपी क्लियर है. तो यहाँ से आपको ऐसे हो जाएगा दे वैसा दो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में इक्वल होता है उसको हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशन के नाम से जानते हैं. इस सब पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा. जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है वो सब आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा. और जब दो सोल्यूशन मान लिया हमने ऐसे ले लिया सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी कर दिए लो इसका भी टेम्परेचर टी इसका भी टेम्परेचर टी कर दिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है तो पाई वन यदि बड़ा हो जाएगा पाई टू से इस टाइप का जो बड़ा होगा उसको हाइपरटोनिक और जो छोटा होगा उसको हाइपोटोनिक कहेंगे. जिसमें कहते हैं हाइपर ज्यादा ना होना मतलब हाइपर होना मतलब गुस्सा देना मतलब उत्तेजित हो जाना तो जो बढ़ जाएगा उसको हाइपरटोनिक जो घट जाएगा उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. तो सेम ही आपको मिलेगा हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक. यहाँ मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसको हाइपरटोनिक जो लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसको हाइपोटोनिक कहेंगे. क्लियर है. हम लोग का लास्ट ऑफ टॉपिक आज के बच्चे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव वर्टिंग. तो नॉर्मल वैल्यू किसको कहेंगे लो जो थ्योरेटिकली होगा उसको नॉर्मल वैल्यू कहेंगे लो और जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लो एबनॉर्मल वैल्यू कहेंगे लो. तो हमसे वन टॉप फैक्टर कहते हैं तो वन टॉप फैक्टर एक आई से निर्णय करते हैं इन्होंने क्या किया है नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव दोनों के बीच में रिलेशन होता है उन्हीं को हम लोग वन टॉप फैक्टर के नाम से जानते हैं लोग. वन टॉप फैक्टर क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एबनॉर्मल वैल्यू अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरेटिकल बोले ऐसे कह सकते हैं दी रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वन टॉप फैक्टर. आई इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास अपन ऑब्जर्व मोलर मास हो जाएगा क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के. तो मॉडिफाई वर्सन क्या हो जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सब में जितना भी हम लोग पढ़े सब में क्या करना है केवल आई ला करके जोड़ देना है. अब यहाँ दे रिलेशन बिटवीन वन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब यहाँ याद है डिसोसिएशन होगा तो अल्फा बराबर होता है आई माइनस वन अपन एन माइनस वन और एसोसिएशन होगा तो इसके लिए अल्फा का वैल्यू होता है आई वन माइनस आई इंटू वन माइनस वन अपन अल्फा. ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिए मस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों को अच्छे से याद रखना है. अब वन टॉप फैक्टर निकालने का आपको बताया जिसमें मान ली H2SO4 है
इसका जो पूछे वन टॉप फैक्टर कितना होगा, NaCl का कितना होगा, AlCl3 का कितना होगा, और के फोर या फिर CN के होल सिक्स का आई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से दो गो एच मिलेगा और एक गो एसओ फोर मिलेगा, तो दो एक कितना जाएगा, नंबर ऑफ आयंस जितना होता है उतना वन टॉप फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से एक गो एन ए और एक गो सी एल होगा, तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो। यहाँ से एक एल होगा और तीन गो सी एल होगा, तो तीन और एक कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू चार हो जाएगा। यहाँ से एक के फोर मिलेगा, चार यहाँ से, और ये पूरा ब्रेकेट वाला नहीं डिसोसिएट होता है, तो यहाँ से पूरा एक मिलेगा, तो इसका आई का वैल्यू फाइव। ऐसे जब भी आएगा तो ऐसे नंबर ऑफ आयंस निकाल लीजिएगा, वन टॉप फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब अभी आने वाले लेक्चर में सब में पहले तो ऐसे पढ़ते जाएंगे लोग थ्योरी से, उसके बाद आपको टोटल क्वेश्चन एक एक करके सीबीएसई बिहार बोर्ड जेईई नीट सबको एक एक करके बताएंगे।